मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। नहीं, दुखद है, और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है, और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आम तो आम सर, खास के व्यक्तियों के साथ नहीं, आम का हो खास का हो, किसी की भी हत्या हत्या है, और इसको इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमूमन देखा गया आप लोगों के ऊपर जंगल राज जैसी बात कही जाती है, आपके गठबंधन पर सवाल खड़ा किया जाता है, और खुद सुशासन की बात करना अब कहां तक जायज है? मैं पहले ही कहा कि जो लोग राम राज्य की बात करते हैं, वहां आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी जिला में हत्या नहीं हो रही है। और ये तो ठीक है, मुकेश सहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के, उनके परिवार में उनके पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले दो बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या, कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में, इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं है। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या, ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है, और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने यह पाप किया है, पाताल में भी रहेगा, उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है,
और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।